सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने कपड़े में कलर डालना सीखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई? कपड़े में कलर एंड कपड़े में चमक डालना सीखेंगे। जैसे कि मेरे भाई देख लीजिए, यहाँ पर मेरा ये वाला कपड़ा है, ये ब्लैक है, लेकिन मेरे भाई इस फोटो में देखिएगा ना तो इसमें ग्रीन है। एंड मेरे भाई इस टाइप के बहुत सारे कलर मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा अपने कपड़े के ऊपर, एंड बहुत ही अच्छा अच्छा चमक भी देकर दिखाऊंगा बहुत ही आसान स्टेप में, ठीक है ना मेरे भाई? तो मेरे भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल है, तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि 69% कुछ वैसे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं मेरे भाई, वीडियो तो डेली वॉच करते हैं मेरे भाई, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती है और बहुत ही अच्छी अच्छी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आती है मेरे भाई, एंड न्यू आपको सीखने को मिलता है। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई, अब आपको क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे भाई आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन होने के बाद मेरे भाई यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए कर लिए। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए एडिट फोटो, एडिट फोटो के ऊपर क्लिक जैसे ही करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आपको देखिएगा ना तो बैकग्राउंड लिख रहा होगा, ठीक है ना? इजिली आपको बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना है मेरे भाई। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई इसमें देखिए बहुत सारा कलर आ जाएगा, आपको जो भी कलर पसंद आएगा मेरे भाई वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे भाई यहाँ से आप जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं देख लीजिए मेरे भाई, ब्लू मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैं ब्लू सेलेक्ट कर ली। ऐसे मेरे भाई बहुत सारे, आप जो कलर पसंद आए आप इजीली पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको यहाँ देखिए क्रॉप के ऊपर क्लिक करना होगा। क्रॉप के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं मेरे भाई, अब आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे भाई आपको देख लीजिए यहाँ स्टोरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है ना? स्टोरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने के बाद मेरे भाई यहाँ सही के निशान पे क्लिक कर देना होगा आपको। क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई ऐसे स्क्रॉल करके आना है, आपको स्क्रॉल करके आना है। जैसे ही स्क्रॉल करके आते हैं मेरे भाई, यहाँ देखिए ड्राव, ड्राव का ऑप्शन होगा मेरे भाई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ थ्री डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा ना, इस जो फोटो को एंड बैकग्राउंड को हम लिए इसको सेव कर लेना होगा। सेव कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपना ओरिजिनल वाला फ़ोटो ले लेना है, ठीक है ना मेरे भाई? एंड ओरिजिनल वाला फ़ोटो लेकर मेरे भाई इस फोटो को क्या कीजिएगा ना, आप शेयर कर दीजिएगा इजली कहाँ, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरे भाई सेम टू सेम आप भी फॉलो कीजिएगा, तभी आपका कपड़ा का कलर चेंज हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे मैं जैसा करता हूँ वैसे आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि उसका गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ टून इमेज के ऊपर क्लिक करना है। टून इमेज के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई थोड़ा सा एम्बियंस बढ़ा दीजिएगा एंड सेचुरेशन को बढ़ा दीजिएगा। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई डन कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई फिर टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। डिटेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं मेरे भाई, उसके बाद ऐसे ऊपर के साइड करना है एंड इसका शार्पनेस को इतना बढ़ा देना है। डन, इतना काम हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहाँ टोटल कंट्रास्ट मेरे भाई थोड़ा सा फोटो को आपको HD में कर लेना होगा। टोटल कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई थोड़ा इसका हाई टून को कम कर देना है एंड मीडियम टून को इतना कम कर देना है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद मेरे भाई अब आपको कपड़े का कलर चेंज करना है। तो कपड़े का कलर चेंज करने के लिए मेरे भाई टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई बैक आ जाते हैं। फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं मेरे भाई। टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा ना, आपको एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है मेरे भाई। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा, ठीक है ना मेरे भाई? प्लस के आइकन पे जैसे ही क्लिक करते हैं मेरे भाई, जो भी आप बैकग्राउंड लिए होंगे, जो पिक्सआर्ट अभी हम क्रिएट किए थे मेरे भाई, उस बैकग्राउंड को ले लेंगे। ले लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बीच वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद मेरे भाई लाइट एंड डार्कनेस ऐसे करके कुछ देख लीजिएगा, लेकिन मेरे भाई अब आप मेरे को क्या करना है ना, डार्कनेस रखना है, ठीक है ना?
तो डार्केन पे क्लिक करके मेरे भाई यहाँ से डन कर दूंगा। उसके बाद मेरे भाई मेरा फोटो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन मेरे भाई बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा है अभी तो। आप बोलेंगे क्या कर दिए भाई, तो आप टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और मेरे भाई कैसे चमक डालना है सब कुछ बताऊंगा। यहाँ देखिए शेयर के बगल में आपको एक व्यू एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई अंडो का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है ना मेरे भाई। अंडो के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई तब व्यू एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। व्यू एडिट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ डबल एक्सपोजर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ ब्रश को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है ना, ऐसे पूरा जूम करना है। जूम करने के बाद मेरे भाई अपने कपड़े के ऊपर ऐसे अप्लाई करना है। तो मेरे भाई देख लीजिए अभी मेरा कपड़े के ऊपर एक चमक नहीं आ रहा है, पेंट तो हो रहा है मेरे भाई लेकिन चमक नहीं आ रहा है, ठीक है ना मेरे भाई। तो चमक को भी कैसे डालना है सब कुछ इस वीडियो में बताया मेरे भाई, तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए मेरे भाई जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ सेम टू सेम आप भी कर लीजिएगा। दिखा देता हूँ मेरे भाई आप सबको, देखिए कैसे कपड़े का कलर होना स्टार्ट हो गया है लेकिन चमक नहीं आ रहा है, तो चमक भी ला दूंगा मेरे भाई, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए मेरे भाई थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना, फास्ट में ही कर लेता हूँ अपने कपड़े को कलर। मेरे भाई आप आराम आराम से कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल कर कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आपका भी, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर चल जाए तो यार माफ़ कर देना, क्योंकि भाई आपको मैं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक टिप्स देता हूँ मेरे भाई, आपको करना तो अपने मन से होगा क्योंकि मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको इधर उधर हो जाएगा तो मेरे भाई थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई जैसे मैं करता हूँ ना वैसे सेम टू सेम आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल मेरे जैसा सब कुछ आप सीख सकते हैं, एडिटिंग सीख सकते हैं मेरे भाई, फेस वाइट करना सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देकर मेरे को फॉलो करना होगा एंड मेरे वीडियो को फॉलो करना होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखिए मेरा भाई मैं चला रहा हूँ फास्ट में थोड़ा सा, तो इधर उधर चल जा रहा है, इसके लिए कोई बात नहीं, उसको हम पहले रिकवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा आपको टाइम निकाल कर करना होगा, ठीक है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कपड़े का कलर करना है तो थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे भाई एंड थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और मेरे भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में यार, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो डेली आती रहती है मेरे भाई, पर डे कितना 8:30 बजे वीडियो आती है, ठीक है ना मेरे भाई, पर डे 8:30 बजे वीडियो आ जाती है मेरे भाई। आप लोग उस समय क्लिक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और उनसे भी बोलिए कि देखिए भाई बहुत अच्छा एडिटिंग सिखाता है, आप भी सीखिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई बातों बातों में इतना कपड़ा का कलर हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर छूटा हुआ है, इसको भी हम रिकवर कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई मैं थोड़ा सा फास्ट रिकवर कर रहा हूँ मेरे भाई। मेरे भाई देख लीजिए, अगर आप भी एडिट करते हैं ना मेरे भाई, तो आप भी मेरे जितना फास्ट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए मेरे भाई मैं वीडियो को फास्ट भी नहीं किया हूँ, फिर भी मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ, फिर भी मेरा इधर उधर नहीं चल रहा है, ठीक है ना, सिर्फ कपड़े के ऊपर ही चल रहा है। तो ऐसा आप भी हो सकता है मेरे भाई, आपके साथ भी, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा एडिटिंग में, अगर आपको एडिटिंग सीखना है तो भाई थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई। और बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो आप फास्ट कर देते हैं समझ में नहीं आता है, इसके वजह से मैं वीडियो फास्ट नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे दोस्त बोले और मैं वीडियो फास्ट कर दूँ। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आप कहीं कहीं वीडियो आप फास्ट कर देते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, आप एक काम कीजिए अपना वीडियो फास्ट मत कीजिए। तो इसलिए मैं भाई फास्ट नहीं कर रहा हूँ, देख लो आपके सामने जो भी कर रहा हूँ लाइव प्रूफ कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे भाई बातों बातों में थोड़ा सा हमारा कपड़ा का कलर भी हो चुका है, लेकिन मेरे भाई चमक नहीं आया है अभी कपड़े में, ठीक है ना, जैसा चमक खोज रहे थे वैसा चमक नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ डिटेल के ऊपर क्लिक करना है एंड ऐसे शार्पनेस को बढ़ा देंगे मेरे भाई। शार्पनेस को बढ़ा देने के बाद मेरे भाई फिर से क्या करेंगे, यहाँ देखिए फिर व्यू एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे मेरे भाई। व्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके सेम टू सेम मेरे भाई वही काम आप कर लीजिएगा एंड कपड़े के ऊपर अब की बार अप्लाई करना होगा, फिर से थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दीजिएगा, थोड़ा सा चमक आ जाएगा मेरे भाई। बस उतना काम कर देने के बाद बैक आ जाना है। अब मेन ट्रिक है मेरे भाई चमक डालने का,
तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ टूल्स को ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा ना, तो सिलेक्टिव वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना मेरे भाई। सिलेक्टिव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको सिलेक्ट करके इसे ब्राइटनेस बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन बढ़ा देना है। देखिए मेरे भाई कितना चमक आना स्टार्ट हो गया, एंड कंट्रास्ट को बढ़ा देना है। एंड सेम काम मेरे भाई जहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ है फिर वहाँ पर सिलेक्ट करके इसे ब्राइटनेस बढ़ा देना है, एंड सेचुरेशन बढ़ा देना है, एंड कंट्रास्ट बढ़ा देना है। सेम टू सेम मेरे भाई सिलेक्ट करके आप ये काम कर सकते हैं, कंट्रास्ट बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन SC दोनों को बढ़ाना है, ठीक है ना मेरे भाई। घटाना नहीं है, बढ़ाना है, देख लीजिए मेरे भाई। और इधर भी थोड़ा सा ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूँ, देखिए ब्राइटनेस बढ़ाना है एंड सेचुरेशन एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना काम हो जाने के बाद देख लीजिए मेरे भाई, मेरे कपड़े में फाइनली चमक आ चुका है। तो मेरे भाई ये ओनली एक कपड़े के ऊपर ही वीडियो था, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सबको। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।